बीच नेटो का सदस्य बनने के लिए हाथ पैर मार रहे फिनलैंड पर डबल गेम खेलने का आरोप लग रहा है। खबर है कि फिनलैंड रूस के नागरिकों को धड़ल्ले से टूरिस्ट वीजा जारी कर रहा, जिसकी वजह से रूस के नागरिक छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी तादाद में फिनलैंड पहुंच रहे हैं। बताया गया कि रूस के लोग फिनलैंड के न्यूइमा के रास्ते वहां जा रहे हैं। न्यूइमा रूस और फिनलैंड के बॉर्डर पर है। यहां ये बात बेहद अहम है कि नॉर्डिक देशों में इकलौता फिनलैंड ही है जो रूस के लोगों को वीजा जारी कर रहा है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क भी नॉर्डिक देश हैं, लेकिन वो रूस के नागरिकों को इस तरह वीजा नहीं दे रहे। मतलब एक तरफ फिनलैंड रूस को आंखें भी दिखा रहा है और दूसरी तरफ रूस के नागरिकों को वीजा देकर अपनी जेब भरने में भी लगा है। इसी वजह से फिनलैंड में कुछ लोग, यहां तक कि वहां की विपक्षी पार्टियां भी फिनलैंड की सरकार के इस डबल गेम के खिलाफ खड़ी हो गई। उन्हें एक तरफ फिनलैंड के रूस के एक्शन को गलत ठहराना और दूसरी तरफ उसके जरिए मुनाफा भी कमाना यूक्रेन के लोगों के साथ ठगी नजर आने लगा। फिनलैंड में अभी टूरिस्ट सीजन है और इन सैलानियों में रूस से अच्छी खासी संख्या में लोग हर साल वहां घूमने फिरने पहुंचते हैं। फिनलैंड की मजबूरी यही है, जंग की वजह से पहले ही यूरोप में धंधा मंदा पड़ा है। ऐसे में फिनलैंड रूस के पर्यटकों के लिए दरवाजे बंद करके अपने पेट पर लात नहीं मारना चाहता।